Hello, bachcho. Let's read the question. Two charges, each equal to 2 microcoulomb, are 0.5 meter apart. If both of them exist inside vacuum, then the force between them is. So, bachcho, given hai hume two charges, jisme ki dono ke jo magnitudes hai, wo 2 microcoulomb each hai. It means 2 multiplied by 10 to the power minus 6 coulomb. और इनके बीच का डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर 0.5 मीटर. अब बच्चों अगर ये दोनों चार्जेस के बीच में वैक्यूम और एयर और फ्री स्पेस हो तो हमें फाइंड करना है के बीच का फोर्स. तो यहाँ हम अप्लाई करेंगे कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. सो इसके लिए हमें फोर्स का एक्सप्रेशन मिलता है फॉर एयर इन SI यूनिट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R2, जहाँ एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. सो बच्चों वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 9. देन Q1 Q2 दोनों की ही वैल्यू 2 माइक्रोकूलम है. सो यहाँ मिल जाएगा 10 टू द पावर माइनस 12 डिवाइडेड बाई 0.5 का स्क्वायर. तो बच्चों इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें करेक्ट आंसर मिलेगा 0.144 न्यूटन. It means right answer is option C. Thank you.